नागल चौधरी के गांव धोलेडा में नहीं रुक रहा ओवरलोड का कहर। ओवरलोड नंबर डंपर से गिरा पत्थर, बाल बाल बचे बच की जान। ओवरलोड का विरोध करने पर डंपर चालक ने बुलाए अपने साथी और ग्रामीणों को धमकी देते हुए डंपर को लेकर निकले। गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोड जाम। डीएसपी जितेंद्र ने मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को ओवरलोड पर अंकुश लगाने का आश्वासन दे खुलवाया जाम। बकरीजा खनन क्षेत्र से निकलने वाला ओवरलोड नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव धोलेडा के लोगों के लिए यमराज से कम नहीं है। आए दिन हजारों की संख्या में ओवरलोड डंपर गांव से होते हुए खातोली क्रेशर जोन में पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में इनसे पत्थर गिरते हुए जाते हैं, जो कि आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। ओवरलोड डंपर से गिरा पत्थर, बाल बाल बचा बच्चा। आज सुबह गांव का एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को लेकर खेतों की तरफ जा रहा था कि बकरीजा खनन क्षेत्र की तरफ से आने वाले एक ओवरलोड डंपर से अचानक पत्थर नीचे गिर गया। व्यक्ति की सूझबूझ से बच्चे की जान बच गई। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया कि आप इतने अधिक पत्थर ना भर के लाए कि रास्ते में गिरते जाएं और हमारे लिए समस्या बने, तो डंपर चालक ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और ग्रामीणों को धमकाते हुए वह डंपर लेकर वहां से चले गए। बाद में गुस्सा आए ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया और प्रशासन से ओवरलोड पर अंकुश लगाने की मांग की। मौके पर पहुंची नागल चौधरी और निजामपुर पुलिस। नागल चौधरी थाना प्रभारी रामनाथ ने गांव वालों को ही धमका कर दबाव बनाने की कोशिश की और जाम खोलने को कहा, लेकिन ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे और ग्रामीणों का कहना था कि जब तक ओवरलोड पर अंकुश का आश्वासन नहीं मिलता तब तक वह जाम नहीं खोलेंगे। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को धमकी भरे शब्दों में कहा कि तुम्हें देख लूंगा, और ग्रामीणों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले जाने की कोशिश की। जाम के तकरीबन 5 घंटे बाद डीएसपी जितेंद्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द जिला उपायुक्त और आरटीए से मिलकर वह इस ओवरलोड पर अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। उनके आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खोला। बहरहाल अब जो भी हो, देखना यही होगा कि डीएसपी जितेंद्र का आश्वासन सिर्फ जाम खुलवाने तक ही सीमित रहता है या फिर ओवरलोड पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन कोई कार्रवाई अमल में लाएगा। मेरा नाम धर्मवीर यादव, गाँव धोलेडा। मैं सुबह 7 बजे अपने बच्चों को लेके और खेत में जा रहा था। जैसे आर्य समाज मंदिर के पास पहुंचा हूं, एक ट्रक के से जैसे मैंने साइड ली है तो उसके ऊपर मेरा ध्यान गया कि उसके पत्थर सरक रहे थे। जैसे उसको क्रॉस करने लगा, वो पत्थर नीचे आके गिरने लगे। मैंने बाइक साइड में गिरा दी, बच्चे को संभाला और ट्रक वाला वहाँ से लेकर निकट गया आगे। मैंने दोबारा बाइक उठाई है, एक सूत भर कितना बोलते हैं, इतना इंच भर, मतलब भगवान की वो है कि आज कैसे बचे हम। और जैसे मैंने वापस गया हूँ उस ट्रक वाले के पास, मैंने उसको रुकवाया है और मैं अकेला था। एक दौर आए, इतनी देर में वो ट्रक वाला वहाँ से गायब हो गया। ना मैं उसका नंबर ले पाया, ना मेरे को वो कहाँ क्या था कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं घबरा गया था उस टाइम बहुत ज़्यादा। बात ये है कि जितने ओवरलोड ये ट्रक चल रहे हैं, इनसे आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। धूल इतनी उड़ती है कि अगर साइड से पैदल भी निकलते तो आँखें नहीं खुलती। खेतों में काम करना इतना दुभर हो गया है। रोड ऑन रोड हमारे खेत हैं, दिन में 10 बार आना पड़ता है। मौत का हमेशा डर रहता है हमारे ऊपर। तो प्रशासन से गुहार करता हूँ, जितने ओवरलोड यहाँ पे हैं, जितने रोड पे पत्थर पड़े गिरे हुए हैं, इन्होंने आरटीओ के डर से या किसके भी डर से यहाँ से डाले हैं, ये उठाए जाएँ और इन ओवरलोड डंपरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरा नाम लीला राम है जी, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, इसी मोहल्ले का जिसमें ये ओवरलोड चलता है। ये पत्थर हैं जो खदान से जो ट्रक हैं खातोली जोन में आते हैं और ऊपर तक अपने बॉडी से ऊपर तक लेके आते हैं, और प्रशासन के डर से इतनी स्पीड पर लेके आते हैं, और ये भी नहीं देखते कि कोई मोटरसाइकिल साइकिल आ रही है या कोई बच्चा आ रहा है या कोई और आ रहा है। और अगर उनसे पत्थर पड़ जाते हैं तो वे बकवासबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं। ये समस्या है, हमने प्रशासन को बार बार भी कहा है कि हमारा समाधान के, जब जब से पहाड़ चला है तभी से यही कहानी है, और हम डीसी के पास भी जा चुके हैं, प्रशासन को भी बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। दूसरे तो जो जैसे मोटरसाइकिल निकलती है साथ में डंपर निकलता है तो पत्थर गिर जाते हैं। ये आज भी ऐसी एक दुर्घटना हो जाती, बाल बाल बचे हैं जी। मेरा नाम अमर सिंह है जी, और यहाँ मैं रोड के ऊपर ही यहाँ मकान है अपना। जो भी ये डंपर वाले चलते हैं तो ये इतनी ज़बरदस्ती चलते हैं और पत्थर ऊपर तक लेके आते हैं, और इनको कहते हैं ना, जो कह रहे हैं कि हमारे को नहीं पता, आगे से भर के भेजते हैं, हम लेके आते हैं, चाहे तो कोई मरो चाहे कोई कुछ भी हो, इनकी तरफ से ऐसे जाते हैं। ये रोकते भी नहीं है, रुकाने से भी नहीं रोकते, ओवर लोड भी आना, ओवर अटैक भी बहुत करते हैं आपस में। अभी तक प्रशासन के पास कई दफ़ा एप्लीकेशन जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके पास।
हाँ जी, इन डीसी पे जा लिए, वहाँ जा लिए। अब सुबह से अपना फ़ोन गया हुआ है, लेकिन अभी घंटा डेढ़ घंटे में आ रहे हैं। ये बताओ इतनी इतनी देर में क्या होगा बताओ। तब तक डंपर वाले गुनागर्दी करके ना डंपरों को निकाल के ले गए, जबकि उनकी फ़ोटो है सभी की, डंपरों की, ओवरलोड डंपरों की। इतने दिन से ओवरलोड चल रहे थे प्रशासन, ये काफ़ी साल काफ़ी दिनों से चल रहा है जी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके ऊपर। आरटीओ विभाग ने अभी आया और जांच के लिए इस तरह है जी। अब नो तो आरटीओ साहब की गाड़ियां रोज आती जाती रहती हैं कि नहीं आती भाई, इस चीज़ से हमें कोई और पता नहीं चलता कि कब आ रही है, कब जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है जी। ये है साहब।